नमस्कार साथियों, आज से मैं हिंदी माध्यम के लिए आरएएस सीरीज की शुरुआत कर रहा हूं। जो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं वो है जीएस पेपर थर्ड यूनिट थर्ड पार्ट बी बिहेवियर व्यवहार। मैं इसके ऊपर आरपीएससी द्वारा दिए गए सिलेबस का विश्लेषण करूंगा, साथ ही साथ पिछले वर्षों में जो प्रश्न आए हुए हैं इस विषय के अंतर्गत उनके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालूंगा, उन पे चर्चा करूंगा और फिर आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए इसके ऊपर चर्चा करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। आज मेरा एनालिसिस रहेगा वो जीएस पेपर थर्ड यूनिट थर्ड पार्ट बी व्यवहार का रहेगा। इसमें आरपीएससी ने चार चैप्टर सुझाए हैं, जिसमें पहला चैप्टर बुद्धि, इसके विषय वस्तु है संज्ञानात्मक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, सांस्कृतिक बुद्धि और हॉवर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत जो विविध बुद्धि सिद्धांत है। ये टॉपिक्स पहले चैप्टर में है। वहीं दूसरा चैप्टर है वो है व्यक्तित्व का। इसके अंतर्गत विषय वस्तुएं हैं, टॉपिक्स हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सील गुण व प्रकार सिद्धांत, व्यक्तित्व निर्धारक के कारक और व्यक्तित्व मापन विधियां। तीसरा चैप्टर जो आरपीएससी ने सुझाया है वो है अधिगम और अभिप्रेरणा, और इसके टॉपिक्स हैं अधिगम की शैलियां, स्मृति के मॉडल, विस्मृति के कारण, अभिप्रेरणा के वर्गीकरण और प्रकार तथा कार्य अभिप्रेरणा के सिद्धांत और अभिप्रेरणा का मापन। वहीं चौथा जो चैप्टर है वो है जीवन की चुनौतियों को सामना करना। इसके अंतर्गत टॉपिक्स हैं तनाव, प्रकृति कारण, प्रकार कारण, लक्षण प्रभाव तनाव प्रबंधन और सकारात्मक स्वास्थ्य का प्रोत्साहन। तो ये चार चैप्टर्स हैं जो आरपीएससी ने इस यूनिट थर्ड पार्ट बी के व्यवहार के अंतर्गत दिए हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें प्रीवियस ईयर के कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो आरएएस 2003 में इसमें 200 शब्दों में एक प्रश्न है 20 अंक का, और प्रश्न है भावनात्मक परिपक्वता इमोशनल इंटेलिजेंस से आपका क्या अभिप्राय है, प्रभावी एवं संवेदनशील प्रशासन में इसके तत्वों की व्याख्या करें तथा इसके उपयोग को समझाएं। तो यहाँ हम देखते हैं एक परिभाषात्मक प्रश्न है भावात्मक परिपक्वता इमोशनल इंटेलिजेंस का, और दूसरा इसी का एक प्रायोगिक प्रश्न या व्यवहार प्रश्न है जो कि प्रशासन में इसके उपयोग, इसके तत्वों की व्याख्या के ऊपर आधारित है। वहीं अगर हम आरएएस 2016 को देखें तो आरएएस 2016 में भी इसमें प्रश्न आए हुए हैं और कुल 7 प्रश्न दो भागों में हैं। अगर पहले भाग को देखें तो 15-15 शब्दों में 2 अंक के प्रश्न हैं और इसमें 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न सामाजिक बुद्धि क्या है, सोशल इंटेलिजेंस क्या है। वहीं दूसरा प्रश्न अल्पोर्ट की व्यक्तित्व परिभाषा का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है पृष्ठोन्मुखी व्यवधान रेट्रोएक्टिव इनोवेशन से आप क्या समझते हैं। चौथा है प्रतिबल स्ट्रेस क्या है, और पांचवा एबिंगहॉस वक्र एबिंगहॉस कर्व को परिभाषित करना है। तो ये 5 प्रश्न 2 अंकों के आए हैं, और वहीं आरएएस 2016 में 2 प्रश्न 5 अंकों के भी हैं। तो ये प्रश्न 50-50 शब्दों में उत्तर देने थे। और प्रश्न है पहला अर्ध प्रक्षेपण तकनीकी सेमी प्रोजेक्टिव टेक्निक व्यक्तित्व मूल्यांकन में कैसे उपयोगी है, और सातवां दूसरा प्रश्न इसके अंतर्गत तनाव प्रबंधन के विभिन्न साधकों का विश्लेषण कीजिए, यानी इसमें उपाय बताने हैं। तो अगर हम इनका विश्लेषण करें तो ये 7 प्रश्न इसमें आए हैं। तो आइए इसको एक एक करके विश्लेषित करते हैं। तो अगर हम इनके विश्लेषण को देखें तो हम पाएंगे कि ये विषय 2013 में व्यवहार जो टॉपिक है 2013 में शुरू किया गया आरपीएससी में, आरएएस मेंस में इसको 2013 में शामिल किया, जिसमें एक भाग में इसका प्रश्न था, एक प्रश्न आया था जिस जो 20 अंक का था, और इस टॉपिक को कुल अंक मिले इस पेपर में जीएस पेपर थर्ड में 20। वहीं अगर हम 2016 के विश्लेषण को देखें तो 2016 में भी कुल 2 भागों में प्रश्न आया है। पहले भाग में 5 प्रश्न थे जो 2 अंक के थे, और दूसरे भाग में 2 प्रश्न थे जो 5 अंक के थे। तो पहले भाग में 10 अंक के 10 कुल अंक हुए, और दूसरे भाग में भी 10 अंक हुए, तो कुल 20 अंक। तो इसकी वेटेज आरएएस 2016 में भी आरपीएससी ने 20 अंक दी थी। तो एनालिसिस से हम ये जान पाए कि
प्रीवियस आरएएस 2013 में जब इस टॉपिक को शामिल किया था आरपीएससी ने, और 2016 में, दोनों साल इसकी वेटेज सेम है जो कि 20 मार्क्स है। तो चलिए अब 2018 के हिसाब से इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। इस एनालिसिस के बेसिस पे अगर हम 2018 के लिए देखना चाहें कि कैसा प्रश्न आ सकते हैं, तो संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं, तो आरपीएससी ने यूनिट थर्ड में पार्ट बी बिहेवियर में जो खेल एवं योग व्यवहार एवं विधि है, इसके अंतर्गत कुल 7 प्रश्न कहे हैं जो 10 मार्क्स पर क्वेश्चन के होंगे, और इनकी वर्ड लिमिट पर क्वेश्चन 100 वर्ड्स की रखी है, 100 शब्दों की रखी है, और कुल अंक इसके हैं 70। तो अगर हम व्यवहार के लिए अज्यूम करें, व्यवहार के लिए सोचें, तो प्रश्नों के लिए संभावना बनती है कि इसमें कुल अंक 20 होंगे। अगर हम इसकी संभावना देखें तो पहली संभावना ये बनती है कि कुल प्रश्न 2 होंगे, जिसमें एक प्रश्न में 5 छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, प्रत्येक 2 अंकों का क्वेश्चन होगा और 20 शब्दों में प्रत्येक अंक देने होंगे, जिससे 100 शब्द हो जाते हैं, और दूसरे प्रश्न में 2 प्रश्न उपप्रश्न होंगे जो 5-5 अंक के होंगे और ये 50 शब्दों में लिखने होंगे। तो इसको 2 क्वेश्चंस को मिला के कुल अंक 20 हो जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न के हिसाब से 100 शब्द होंगे। वहीं दूसरी संभावना ये हो सकती है कि इसमें एक लंबा प्रश्न आए, तो कुल अंक इसमें भी 20 होंगे, कुल प्रश्न 2, प्रश्न 1 में 5 छोटे प्रश्न होंगे जो 2-2 अंकों के और 20 शब्द के होंगे, जबकि प्रश्न 2 एक लंबा प्रश्न होगा 10 अंक का 100 शब्दों में। तो इस तरह की संभावना इसमें हम व्यक्त कर सकते हैं। अब अगर हम सिलेबस में डिटेल वाइज देखें कि कौन कौन से टॉपिक हैं और कैसे प्रश्न आए हुए हैं और किस और प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 इंटेलिजेंस बुद्धि को देखते हैं। तो अगर हम बुद्धि के अंदर टॉपिक देखें तो संज्ञानात्मक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, सांस्कृतिक बुद्धि और हार्वर्ड गार्डनर का विविध बुद्धि सिद्धांत या बहुबुद्धि सिद्धांत, तो इसमें ये 5 टॉपिक्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। पीछे आए हुए प्रश्न को देखें तो 2013 में इसमें एक लंबा प्रश्न जो कि 200 शब्दों में और 20 अंक का है, भावनात्मक परिपक्वता से जुड़ा है, जिसमें इसकी परिभाषा और साथ ही इसके प्रभावी और संवेदनशील प्रशासन में इसके उपयोग की व्याख्या पूछी गई है। तो अगर हम इसको एनालाइज करें तो एक परिभाषा पर आधारित प्रश्न और साथ ही साथ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, प्रयोग पर आधारित प्रश्न इसमें है। वहीं अगर हम 2016 के हिसाब से बात करें तो 2016 में इसमें 15 शब्दों में 2 अंक वाला एक प्रश्न आया है जो कि सामाजिक बुद्धि क्या है, सोशल इंटेलिजेंस। तो इसमें भी ये प्रश्न अगर हम देखें तो ये प्रश्न सीधा सीधा परिभाषा से आया हुआ है। आगे बढ़ें तो दूसरा चैप्टर जो आरपीएससी ने प्रिस्क्राइब किया है वो है व्यक्तित्व, और इसमें टॉपिक्स हैं मनोविश्लेषण सिद्धांत, शील गुण और प्रकार सिद्धांत, व्यक्तित्व निर्धारक के कारक और व्यक्तित्व मापन विधियां। ये 4 टॉपिक इसके अंतर्गत दिए गए हैं। इन टॉपिक के हिसाब से अगर हम प्रश्नों को देखें तो 2016 में प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आए हुए हैं वो है 15 शब्दों में 2 अंक वाला प्रश्न जो कि है ऑलपोर्ट की व्यक्तित्व परिभाषा का वर्णन कीजिए, और दूसरा 50 शब्दों में 5 अंक वाला प्रश्न जो कि है अर्ध प्रक्षेपण तकनीक, सेमी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स व्यक्तित्व मूल्यांकन में कैसे उपयोगी हैं। तो फिर से इसमें एक परिभाषा का प्रश्न है जबकि एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, प्रयोग आधारित व्यवहारिक प्रश्न है। तो ये 2 प्रश्न इसमें हम देखते हैं जो 2016 में आए हुए हैं। इसी के आधार पे हम आगे देखें तो थर्ड चैप्टर अधिगम और अभिप्रेरणा है। इसके अंतर्गत जो टॉपिक हैं वो हैं अधिगम की शैलियां, स्मृति के मॉडल, विस्मृति के कारण, अभिप्रेरणा के वर्गीकरण और प्रकार, कार्य अभिप्रेरणा के सिद्धांत और अभिप्रेरणा का मापन। ये 5 टॉपिक इसके अंतर्गत दिए गए हैं। इसमें अगर हम पीछे आए हुए प्रश्नों को देखें तो आरएएस 2016 में इसके ऊपर प्रश्न आया है जो कि प्रश्न है 15 शब्दों में 2 अंक, पहला पृष्ठोन्मुखी व्यवधान रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन से आप क्या समझते हैं, दूसरा एबिंगहॉस वक्र को परिभाषित कीजिए। दोनों ही स्मृति पे आधारित प्रश्न है, 15 शब्दों में 2 अंक, और फिर से एक दोनों प्रश्न हम देखें अगर तो ये परिभाषा आधारित प्रश्न है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है।
और फिर हम चौथे चैप्टर को देखें तो चौथे चैप्टर जीवन की चुनौतियों का सामना करना, इसके अगर हम टॉपिक्स को देखें तो टॉपिक हैं तनाव, प्रकृति प्रकार कारण, तनाव के लक्षण और प्रभाव, तनाव प्रबंधन और सकारात्मक स्वास्थ्य का प्रोत्साहन। तो ये हमारे चार टॉपिक हैं जो इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। अगर इसके हिसाब से हम पीछे आए हुए प्रश्नों को देखें तो RAS 2016 में इस पर प्रश्न आए हैं जो कि 15 शब्दों में 2 अंक वाला एक प्रश्न है प्रतिबल क्या है, और 50 शब्दों में 5 अंक का एक प्रश्न है तनाव प्रबंधन के विभिन्न साधकों का विश्लेषण कीजिए। तो फिर से हम देखें, एक प्रश्न परिभाषा का है जबकि 50 शब्दों वाला दूसरा प्रश्न प्रायोगिक है, एप्लीकेशन बेस्ड है। तो ये हमारे आए हुए प्रश्न थे। ये हमारा पीछे का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस था, और उसके बेसिस पे हमने आरपीएससी के 2018 के सिलेबस को एनालाइज किया। तो चलिए देखते हैं आरएएस 2018 मेंस के लिए जीएस पेपर 3rd यूनिट 3rd पार्ट बी बिहेवियर में हम क्या क्या कर सकते हैं, तैयारी के लिए हमें किन किन चीजों का, किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर मैं आरएएस 2018 के आप हिसाब से इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको सजेशन दूं तो हम श्योरली एक बात तो कह सकते हैं कि कुल अंक 20 होंगे जिसमें 2 प्रश्न 10-10 अंकों के बनेंगे। अब इसमें अगर हमें तैयारी के लिए मुझे सुझाव देने हो तो मैं आपसे ये कहूँगा, पहली चीज कि सिलेबस में दिए गए प्रत्येक टर्म, प्रत्येक पद की परिभाषा को 2 अंकों के प्रश्न के लिए और 20 शब्दों के लिए तैयार करें। अलग अलग परिभाषाएं हैं उपलब्ध विभिन्न पुस्तकों में, इन परिभाषाओं के ऊपर करने हैं तैयारी आपको, और अगर ये तैयारी ठीक है तो इसमें से आपके अधिकतर प्रश्न हो जाएंगे। दूसरा सजेशन अगर मैं इसमें दूं तो आपको 50 शब्दों के लिए 5 अंकों के प्रश्न करने हैं जो प्रायोगिक या व्यवहारिक यानी एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। इन शब्दों की, इन पदों की जो हमने परिभाषाएं करी हैं, इनके प्रायोगिक उपयोगिता के आधार पर ये होंगे। इसको 50-50 शब्दों में आपको तैयार करना है। अब अगर इसमें एक लंबा प्रश्न आता है 100 शब्दों या 200 शब्दों वाला, तो इसमें दिक्कत नहीं है कोई भी। ये प्रश्न हमेशा परिभाषा और उसके प्रायोगिक व्यवहार को मिलाकर प्रश्न आते हैं। तो आपने जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो 20 से 40 शब्दों में इसमें परिभाषा लिखनी होगी, जबकि अन्य शब्दों में इसमें जीवन से जुड़ी हुई परिस्थितियां, एक व्यक्ति के रूप में, एक प्रशासक के रूप में, इन परिभाषाओं से जुड़ी जो संकल्पनाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे एक अच्छा प्रशासक बनने में या एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति बनने में, इसको लेके चलना है। मेरा सजेशन रहेगा कि प्रत्येक परिभाषा को 20 शब्दों में और उनकी उपयोगिता को 50 शब्दों में तैयार करें। तो उम्मीद करते हैं कि आप व्यवहार टॉपिक से, जो कि यूनिट 3rd जीएस पेपर 3rd में पार्ट बी में रहेगा, आप सभी प्रश्नों को अच्छे से कर पाएंगे। ये पूरा विश्लेषण था। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपको तैयारी में, खासकर यूनिट 3rd के पार्ट बी बिहेवियर की तैयारी में मदद मिलेगी। जल्द ही मैं इसके चारों चैप्टर्स के वीडियोस लेके आऊंगा। जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ और इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे ही ये वीडियो आए तुरंत आप इन वीडियोस को देख सकें। तो इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। चलिए, सभी से मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।